हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे औसत के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन कर रहा है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि औसत क्या होता है, ये बेसिक है। आप लोग औसत का और भी वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल में एवरेज नाम का मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप लोग देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए। तो औसत बराबर जो होता है सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या, जितना संख्या सबको जोड़ दीजिए अब बटा कुल संख्या की के वो संख्या है। तो क्या करें, पहली दस प्राकृत संख्या मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अंतिम 10 तक। 10 का रहता 10 ही तक ना जाएगा प्राकृत संख्या। औसत बराबर क्या, यहाँ पे औसत बराबर निकालना हो तो सभी संख्या का योग, तो सब संख्या को जोड़ने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि पहला को पकड़िए, अंतिम को पकड़िए, तो 1 + 10 जोड़ दीजिए, भागा 2 कर दीजिए। तो 10 + 1 = 11, भागा 2 कितना हो जाएगा, 11 / 2 = 5.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। तो कभी भी इस टाइप से रहा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक जाना है तो पहला को पकड़िए, लास्ट को पकड़िए, आप भागा दूध कर दीजिए, वही आंसर आ गया। ऐसे जो बेसिक है फॉर्मूला, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। अब यहाँ पे 1 से 10 तक के आप जोड़ दीजिए और उसके बाद संख्या कुल संख्या क्या होगा, 10 को होगा, और 10 से भागा दे दीजिए, आपको 5.5 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है। एक बात बताइए आप लोग, पहले विषम संख्या क्या होता है, जो कि 2 से विभाज्य ना हो। जैसे मैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 9 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। ये क्या है, विषम संख्या है, क्या है ये, 2 से विभाज्य नहीं है। और सम संख्या कहता है तो उसको भी देख लीजिए कि सम संख्या कैसे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर से क्या करिए कि पहल का संख्या को पकड़िए औसत निकालने के लिए, पहला संख्या को और लास्ट संख्या को, तो 1 + 17 और भागा 2, तो 17 + 1 = 18 / 2, तो औसत जो होगा 9 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। या इसको जोड़ के भी बना सकते हैं, जैसे मैं 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 9 = 25, 25 + 11 कितना होता है 36, 36 + 3 = 39, 10 + 49 = 15, 49 + 15 कितना हो जाएगा 49 + 50 = 54, 10 + 64 + 64 = 70, 71 + 10 = 81 हो गया ना। अब बटा देखिए औसत बराबर कुल संख्या का योग, तो सभी संख्या का योग कितना हो गया 81, अभी ही जोड़े आके वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गए, तो भागा 9, तो कितना आ गया 9 * 81 करता है तो 9 आ गया ना। तो कभी भी करिए, चाहे तो अंतिम और लास्ट, शुरुआत और लास्ट को पकड़ के भागा 2 कर दीजिए या सभी संख्या का योग कर दीजिए, भागा जितना संख्या है वही आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, पहला को पकड़िए, लास्ट को पकड़ लीजिए, भागा 2 दे दीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात देख लीजिए, सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है, जो कि 2 से विभाज्य हो। जैसे मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो कह देता कि सम संख्या, पहली 9 विषम संख्या का औसत क्या हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या करते हैं कि औसत निकालने के लिए, सम संख्या का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, ये क्या है सम संख्या, तो पहिलका को पकड़ लेते हैं 2 प्लस अंतिम को पकड़ लेते हैं 18 और भागा देते हैं 2, 18 + 2 = 20 / 2 यहाँ पे आ जाता है 10। तो पहली 9 सम संख्या का औसत कितना हो जाता है 10, और पहली 9 विषम संख्या का औसत 9 हो जाता है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या है। हमसे सम संख्या का पूछ रहा है, इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक इतना है कि आप लोग इसको देखते बना दीजिएगा, लेकिन आगे लॉन्ग ट्रिक भी देख लीजिए। इसको कैसे करेंगे, प्रथम क्या करें 39 सम संख्या,
तो यदि प्रथम तीन संख्या का देता तो क्या करते हैं, सम संख्या, तो 2 4 6 मतलब क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है प्रथम तीन संख्या, तो 3 2 6 ऐसे क्या कर रहा है, प्रथम 39 तो 39 2 78 तो प्रथम क्या 38 सम संख्या कर रहा है, तो मतलब कितना तक जाएगा 78 तक जा रहा है। पहली यदि एक सम संख्या मतलब क्या 2 को सम संख्या तो 4 तक जा रहा है, मतलब कि 2 गुना हो रहा है। फिर 3 सम संख्या तो 2 3 6 तो 3, यदि 3 सम संख्या कर रहा है गुना हो रहा है 2 तो 39 सम संख्या तो क्या 39 2 78। तो ऐसा के लिए औसत क्या करिए कि पहलका का पर करिए 2 और लास्ट वाले को 78 और भागा 2 तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। या इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि कभी कहते ना कि प्रथम 39 सम संख्या का औसत क्या होगा, औसत सम संख्या का जब औसत कहे ना तो क्या करें कि जितना संख्या करे उसमें 1 जोड़ दीजिए, 39 सम संख्या करे ना तो 39 + 1 = 40 हो जाएगा। यदि कह दे कि विषम संख्या, कह देता कि 10 विषम संख्या का औसत, 10 विषम संख्या का औसत क्या होगा, जब विषम संख्या कह देना तो क्या करिए कि जो जितना विषम संख्या है उतना ही हो जाएगा। इसका प्रमाण भी देख लीजिए, जैसे मैं कह दे कि 5 विषम संख्या, जैसे मैं 5 विषम संख्या कौन कौन सा होता है, 1 3 5 7 9 होता है ना, 1 2 3 4 5 तो 9 + 1 = 10 भागा 2 कितना 5, 5 विषम संख्या लिया 5 आंसर आया, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से जब कह दे कि 10 विषम संख्या का औसत कितना होगा तो 10 ही होगा, आ कह दे कि यदि कह देता कि 5 सम संख्या का औसत कितना होगा तो कभी भी 1 ज्यादा होता है, 5 सम संख्या का औसत तो जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। आइए इसका प्रमाण देख लीजिए, 5 सम संख्या कितना 2 4 6 8 10 होगा ना। अंतिम और शुरुआत को पकड़िए, 2 + 10 भागा 2 = 12 6 क्या हुआ 1 से बढ़ा है ना। तो कभी भी सम संख्या का औसत कहे तो 1 से बढ़ा दीजिए आ विषम संख्या का कहे तो वही लिख दीजिए, जितना विषम संख्या का करे उतना ही लिख दीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्या, आप लोग अभाज्य संख्या जानते हैं क्या होता है, वैसी संख्या जो किसी और अन्य संख्या से विभाज्य न हो, सिर्फ अपने आप से विभाज्य हो, तो कौन कौन सा होता है पहली अभाज्य, तो पहला कौन होगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 11 13 15 नहीं होगा 17 19 के बाद क्या होगा 23 के बाद कौन सा होगा 29 देखने दीजिए, बड़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 के बाद क्या होगा 31 31 के बाद क्या कौन सा होगा 37 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करें पहली 12 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, तो क्या करिए कि औसत निकालने के लिए क्या जानते हैं, सभी संख्याओं का योग और बटा कुल संख्या, तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 31 + 37 अब भागा 12 अभाज्य संख्या करे तो 12 से भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल 12 संख्या है। अब सबको आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 197, आप लोग जोड़ लीजिए, जोड़ तो आता ही होगा, अब भागा 12, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में 197 भागा 12 नहीं दिया, तो इस रूप में चेंज करने के लिए 15 पूर्णांक 2/12 16 पूर्णांक 5/12 पूर्णांक में जब चेंज करना हो तो कैसे चेंज करते हैं सो देख लीजिए, यदि करने आता तो सही ही है नहीं तो देख लीजिए। तो 19 है तो क्या हुआ उससे कम 12 है कम 12 बचे कितना 19 में से 9 में से 2 जाएगा तो 7 1 से 1 खत्म 77 12 बचे 60 12 6 72 यहाँ 72 7 में से 2 जाएगा तो 5 7 से 7 खत्म। अब यहाँ पर जो भी ये भागफल है ना उसको यहाँ पर लिखिए 16, जो रिमाइंडर है शेष फल उसको ऊपर लिखिए और जिससे भाग दीजिए उसको नीचे लिख दीजिए, तो 16 पूर्णांक 5/12 तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी भी अभाज्य संख्या कर देना तो उसमें ऐसे मत बनाइए कि पहलका संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिएगा तो यहाँ पर गलती हो जाएगा, अभाज्य संख्या में ये रूल फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसमें का भी ये रीजन है कि कोई निश्चित रूप से नहीं बढ़ता है, जैसे में 1 से 3 हुआ 3 से 5 हुआ 5 से 7 हुआ लेकिन 7 से 11 हो गया, बीच में 4 का अंतर हो गया, यहाँ पे तो 2 का अंतर है,
फिर 13, 17, 19, फिर 19 से 4, यहाँ पे जो अंतर है वो क्रमागत नहीं है, सेम नहीं है, तो इसी के कारण जो है सबको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि ए बी सी डी 5 क्रमिक विषम संख्या हो तो उनका औसत कितना होगा। तो औसत जो है 5 क्रमिक विषम संख्या है। तो विषम संख्या पहले आप लोग जान लीजिए, विषम संख्या क्या होता है। अभी हम बताएं कि विषम संख्या क्या होता है। जैसे मैं पहला 1 हो गया, उसके बाद 3, 5, 7, 9 हुआ ना, तो यहाँ पर कितना का बढ़ रहा है, 2 का। यहाँ पर भी कितना बढ़ा है, 2 का। यहाँ पर भी कितना बढ़ा है, 2। यहाँ पर भी 2। यदि पहले का को x मान लें तो क्या होगा, सब बढ़ते जाएगा। यदि पहले का को a मान लें तो इसका क्या, यहाँ पर क्या होगा, a+2, यहाँ पर a+4, यहाँ पर a+6, यहाँ पर a+8 होगा कि नहीं होगा। बस इसी तरह से तो क्या करा है, 5 क्रमिक विषम संख्या है। कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई। तो ए की जगह ए, बी की जगह पे a+2, सी की जगह पे क्या होगा a+4, डी की जगह पे a+6 और ई की जगह पे a+8 होगा कि नहीं होगा। विषम संख्या में क्या होता है, 2 ही का बढ़ता है। सम संख्या में भी क्या होता है, 2 का ही बढ़ता है। ये डिपेंड करता है पहले का पे सम है या विषम है। अब क्या करिए, औसत के लिए आप लोग क्या जानते हैं, यही ना करेंगे तो उनका औसत कितना होगा। तो औसत बराबर क्या जानते हैं, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सबको जोड़ दीजिए, a+a+2 + a+4 + a+6 + a+8। अब भागा कितना, 5 को क्रमिक विषम संख्या ना है, 1, 2, 3, 4, 5 भागा 5। यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 को a है। अब नंबर जोड़िए, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20। अब भागा 5। अब 5a+20 है तो क्या होगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा 1, और 5 से 20 खत्म होगा तो कितना मरतब है, 4 मरतब है। तो 5 + 20, 5 एकम 5, तो a+4 कौन सा ऑप्शन में सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो औसत जो है a+4 हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य या माध दोनों 1 है। तो क्या करा, पहली n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, 2, 3 डॉट 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 कितना तक, n संख्या तक करा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n संख्याओं का योग का, पहले n प्राकृत संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, n लीजिए उसको क्या करिए कि 1 और जोड़ दीजिए, आप भागा 2 दे दीजिए, यही योग होता है n है ना। यदि n संख्या करें तो n × n+1/2। यदि कहते थे कि पहली 6 प्राकृत संख्या का योग बताइए, तो क्या करते कि 6 कर देते, फिर उसके बाद 6 को 1 बढ़ा देते, 6 × 7 आ भागा 2 कर देते, 42 / 2 21 हो जाता, ठीक है ना, योग। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, पहली n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य है क्या है। तो समांतर माध्य कह दे या औसत कह दे, दोनों 1 होता है। तो औसत या समांतर माध्य, तो समांतर माध्य या औसत दोनों 1 होता है। तो यहां पर औसत बराबर क्या जानते हैं, कुल संख्याओं का योग। तो योग कितना है, n प्राकृत संख्याओं का योग का n × n+1 अब भागा 2 अब बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, यहां पर n प्राकृत संख्या मतलब कि n संख्या, तो भागा n, n से n क्या होगा कट जाएगा। तो n प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य या औसत जो है n+1/2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो इसी चलते क्या होता है कि हम लोग कभी भी करते हैं कि n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या करते हैं, तो जिसे मैं कह देता कि 1, 2, 3 से लेकर 10 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए, तो क्या करते हैं कि n+1/2 मतलब कि लास्ट या पहले का को जोड़ के आधा कर देते हैं। तब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। हम लोग को दे दिया कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। कितना संख्या है, 15, यहाँ पर औसत कितना है, 18। यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पहले क्या है, पुराना औसत, यहाँ पर नया औसत पूछ रहा है, और सब संख्या को 2 से विभाजित करा है। तो नया औसत जो होगा पुराना औसत, पुराना औसत कितना है, पहले से 15 क्रमागत संख्या को औसत 18,
और कितना से विभाज करें, दो से विभाजित किया जाए तो भागा दो कर दीजिए औसत का, तो 18 भागा दो तो नया औसत जो होगा 9 हो जाएगा, बी ऑप्शन। यदि कह देता कि 15 क्रमागत संख्या को औसत 18 है और सबको 3 से विभाजित किया जाए, यदि सभी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो क्या करते कि यहाँ पे नया औसत के लिए 18 भागा 3 6 आंसर हो जाता। तो ऐसे करना है, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे ना तो जितना से सब संख्या को विभाजित करना है ना उतना ही से औसत को विभाजित कर दीजिए और वही आ जाएगा आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि दो संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है, तो दो संख्याओं का औसत 8 है, मतलब कि मान लीजिए दो संख्या जो है x और y, तो x और y का औसत क्या है, x प्लस वाई और भागा 2, उसका औसत कितना है 8। यही नहीं जानता है कि संख्या का योग बटा कुल संख्या बराबर औसत होता है, तो औसत 8 दिया है तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 16। मतलब यहां से क्या पता चला कि दो संख्याओं का योग जो होता है, यदि दो संख्या का औसत 8 है तो दो संख्या का योग कितना हो जाएगा 8 गुणे 2 16। उसी तरह से क्या करें, अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 है, मतलब क्या मान लिया कि टी यू भी है, तो मान लिया कि टी यू भी का औसत मतलब भागा कितना 3, क्या है कि 3 संख्या बराबर कितना है 3, तो टी प्लस यू प्लस भी, तो 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 9। तो कभी भी करना है ना कि अन्य तीन संख्या का औसत 3 है, तो 3 संख्या का औसत 3 है तो 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 तो 9। तो करेंगे पांचों संख्या का औसत क्या होगा, तो औसत पूछे क्या पांचों संख्याओं का, तो पांचों संख्या का क्या योग, तो x प्लस वाई प्लस टी प्लस यू प्लस भी, यही ना पांच संख्या है, भागा कितना कर देगा पांच ही ना करेंगे क्योंकि कुल संख्या कितना है 5। x प्लस वाई का मान पता है हम लोग को 16, और टी प्लस यू प्लस भी का मान 9, तो 16 प्लस 9 5 भागा 5, तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25 भागा 5, तो कितना हो जाएगा 5, यहां से 5 आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और इसका मेथड है बनाने का कैसे, तो दो संख्या का औसत कितना है 8 है, तो दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग कितना हो जाएगा, दो संख्या का औसत 8 है तो दो संख्या का योग कितना हो जाएगा 8 गुणे 2 16। अन्य तीन संख्या का औसत 3 है तो तीन संख्या का योग कितना हो जाएगा, तीन संख्याओं का योग, योग के लिए क्या करें कि जो भी औसत दिया है 3 और 3 को संख्या तो गुणे 3 कर दीजिए तो 9। हमसे क्या करा कि पांचों संख्या का औसत बताइए, तो दो संख्या का योग 16 है, तीन संख्या का योग जो है 9 है, तो औसत कितना हो जाएगा, दो संख्या का योग 16, तीन संख्या का योग 9, अब भागा कितना, टोटल कितना संख्या 5 है, 2 प्लस 3 तो 16 प्लस 9 25 भागा 5 5 हो जाएगा, तो सी ही ऑप्शन होगा। तो दोनों मेथड से हम तो कहेंगे कि यही मेथड से आप लोग बनाइए मेथड 2 से, क्योंकि ये आसानी होगा बनाने में बड़ा बड़ा क्वेश्चन में, ये ऐसा क्वेश्चन में आप लोग बहुत कम ही बना पाएगा, लेकिन इस तरह से एक बार माइंड में सेट कर लिए तो आप लोग को एक से एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।